तो जैसे कि दोस्तों होंडा की तरफ से खबर निकल के आ रही कि होंडा अपनी एक जबरदस्त कार के साथ लेने वाली है भारत में एंट्री। तो चलिए जानते हैं होंडा की है ये कौन सी कार, क्या होगी फीचर्स, क्या है कीमत। तो दोस्तों होंडा की तरफ से एक खबर निकल के आ रही है कि होंडा अपनी एकदम ब्रांड न्यू कार होंडा स्मॉल कार को लॉन्च करने वाली है। भारतीय बाजार में दोस्तों इस कार को स्मॉल कार के नाम से लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों होंडा ने इस कार को 2017 में ऑटो एक्सपो के दौरान हम सभी के लिए शोकेश किया था। बताना चाहूँगा दोस्तों वो मॉडल इसका कॉन्सेप्ट मॉडल था। अब भारतीय बाजार में 2020 में इसको जबरदस्त तरीके से हम सभी के लिए लॉन्च किया जाना है। होंडा का दावा है कि दोस्तों ये कार भारतीय बाजार में रेनॉल्ट स्क्विड से लेकर डैटसन रेडिगो जैसी कारों को कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि इस कार की कीमत मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए काफ़ी कम रखी जाएगी। होंडा ने अपनी वेबसाइट पर डिक्लेयर करा है कि वो अपनी इस कार की स्टार्टिंग कीमत 2.70 लाख रुपीज़ से रख सकती है और टॉप वेरिएंट की बात करें तो करीबन 4.20 लाख रुपीज़ तक जाने की संभावना। बताना चाहूँगा दोस्तों होंडा की इस कार के बारे में अभी आधिकारिक तौर पर ज़्यादा जानकारी हमारे हाथ नहीं लग पाई है, मगर पावर और इंजन की बात की जाए तो उसका थोड़ा बहुत खुलासा होंडा ने कर दिया है। बताना चाहूँगा कि इस कार के अंदर यानी होंडा की नई स्मॉल कार के अंदर आपको BS6 मानकों वाला नया अपडेट इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 0.8 लीटर के साथ 1.0 लीटर के ऑप्शन में मार्केट में उतारा जाएगा। अगर 0.8 लीटर की बात करें तो वो आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन तथा 54 PSP की पावर और 72 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। वहीं इसके दूसरे वेरिएंट यानी 1.0 लीटर के ऑप्शन की बात करें तो वो आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ 68 HP की पावर और 91 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। बताना चाहूँगा दोस्तों होंडा अपनी इस कार के अंदर आपको 5-स्पीड मैनुअली तथा AMT का ऑप्शन भी उपलब्ध करवा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों अगर इस कार के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होंडा ने अपनी इस यानी स्मॉल कार को सबसे पहले इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया था। उसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि भारतीय बाजार में भी होंडा अपनी स्मॉल कार के साथ काफ़ी अच्छे फीचर्स को जोड़ रही है। इस कार के अंदर दोस्तों आपको ड्राइवर साइड एयरबैग से लेकर EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स को मौजूद करवाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सुविधा के साथ आता है। साथ ही साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा और रियर सीट आर्म सेट समेत अन्य फीचर्स को भी होंडा ने शामिल किया है। दोस्तों अगर लॉन्चिंग की बात करी जाए तो होंडा की न्यू कार स्मॉल कार की भारतीय बाजार में टेस्टिंग भी अब शुरू कर दी है। काफ़ी बार दोस्तों इस कार को टेस्टिंग के दौरान भी स्पॉट किया गया है। उम्मीद और सूत्रों के मुताबिक यही अनुमान अभी लगाया जा रहा है कि भारतीय बाजार में होंडा अपनी इस स्मॉल कार को हम सभी के लिए अगस्त के बाद लॉन्च कर सकती है। भारतीय बाजार में दोस्तों ये कार लॉन्च होती काफ़ी तहलका मचा सकती है, क्योंकि दोस्तों इसका लुक बिल्कुल स्टाइलिश कंपनी ने रखा है। इसमें सारी आपको एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ दोस्तों ये आते ही काफ़ी अन्य कारों को भी टक्कर देने वाली है और मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए दोस्तों इस कार की कीमत भी काफ़ी कम रखी गई है, जो कि रेनॉल्ट स्क्विड से लेकर डैटसन गो कारों तक को टक्कर देने वाली है। तो अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अपकमिंग होंडा की न्यू स्मॉल कार आप सभी को कैसी लगी, क्या आप इस कार को लेना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।